गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं शाओ लेके आ चुकी हूँ और सुबह के हो रहे हैं 10:10 और पापा और भाई ऑफिस के लिए जा चुके हैं, दोनों आज साथ ही गए हैं स्कूटी पे। यानी मोस्टली पापा पहले चले जाते हैं क्योंकि भाई थोड़ा लेट ही जाता है, पर आज पापा भी लेट ही गए हैं तो दोनों साथ ही गए हैं। और जो हमारी हेल्पर है वो आ चुकी है और हमारी मशीन में फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया। पहले ड्रायर में प्रॉब्लम थी, अब ड्रायर के जो पानी लगाते हैं ना ऊपर से पाइप में, तो उसमें पानी लगा रहे तो सारा पानी बाहर निकल रहा है, अब उसमें प्रॉब्लम हो गई है। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मैंने आज ही अपनी बहन यार जब से मैं मम्मी के घर पर आई हूँ तब से मैं अपनी सिस्टर के ही टी शर्ट्स वगैरह पहन रही हूँ। हाँ यही है, अब मम्मी के घर पर आ गए तो कम्फर्टेबली कपड़े पहन ही लेती हूँ, अब अपने वहाँ चले जाओ तो वही बहू के हिसाब से रहना पड़ता है यार। बस फिलहाल यही है और कुछ नहीं है, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। बाल वाल में कुछ कॉम नहीं है, कुछ कॉम नहीं किया, बस पैर में वो चोट लगी थी ना, आपको दिखाऊं? दिखाने बहुत यार ना दिखाने का मन नहीं कर रहा है, रीज़न क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सा पैर हुआ हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आप देख के कैसे कहेंगे कि कैसा पैर हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है। अभी मैंने इसमें ना ओमनी जेल फिर से लगाई है, साइड से ग्रीन, बीच में से रेड और बीच फिर थोड़ा सा स्किनी कलर का हो रहा है, कुछ ऐसे हो गया है। तो पता नहीं भगवान जी क्यों मुझे इन सब चीज़ों के लिए क्यों पता नहीं क्यों। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो कहीं जाइएगा ना किस चीज़ की रेसिपी है, मैं आज आपके साथ घिया के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी और भी सोच रही हूँ कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लॉग में बने रहना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल कलर का बटन दिया उसे प्रेस कर लीजिए, फिर बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बस यही है छोटी सी जर्नी हमारी, जो घर पे रहती हैं हाउसवाइफ होती हैं उनका क्या होता है, घर पे रहो फिर मम्मा, अगर कोई तीज त्यौहार होता है तो अपना मम्मा के घर पे आ जाओ, फिर अपने वहाँ पे वही डेली रूटीन हाउसवाइफ वाले वो होते हैं, बस मम्मा के घर पे आके थोड़ी सी मौज मस्ती और ऐश हो जाती है, तो कुछ काम धाम ज़्यादा करना नहीं होता, आराम से जीवन बिता लेते हैं, बस यही है। सारे कपड़े घर के अंदर सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि बाहर हो रही है बारिश का मौसम, मतलब हल्की हल्की रिमझिम लगी पड़ी है पता नहीं क्यों। और इवन सिर्फ यहाँ पे और आगे जाओ तो वहाँ पे आगे बारिश नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी फरीदाबाद में हुआ था। मतलब हम जहाँ पे हम पहले रहते थे रेंट पे, तो एक साइड पे बारिश हो रही थी, एक साइड जिधर हमारा रूम था उस वाली छत पे बारिश हो रही थी, और जिधर दूसरी जो छत थी जहाँ पे हम कपड़े वगैरह वॉश करते थे उधर बारिश ही नहीं हो रही थी। यानी सिर्फ एक ही घर के आधे पोर्शन में बारिश हो रही है, आधे पोर्शन में बारिश हो ही नहीं रही है। भगवान के भी क्या क्या करिश्मे हैं ना, भगवान के तो चमत्कार ही निराले हैं। तो आप, मैं खाना खाने जा रही थी, सोचा आप को बताऊं खाने में क्या बनाया। खाने में मम्मी ने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, रोटी बनाई है बस, और ना मुझे छाछ, कल भी छाछ नहीं थी, दही नहीं थी तो अच्छा नहीं लगा। मैं ना मम्मी का वेट कर रही हूँ कि मम्मी छाछ ला के दे दें और फिर मैं रोटी खाऊंगी, यानी मट्ठा ला के दें तो फिर मैं रोटी खाऊंगी। और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक भी तो किया कीजिए यार, लाइक कीजिए। और कमेंट नहीं करते हैं आप, कमेंट भी कीजिए, कमेंट करना, जब आप एक लाइक और कमेंट करते हो ना तो हमें वीडियो बनाने का इतनी मोटिवेशन मिलती है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो प्लीज़ लाइक और मोटिवेशन के लिए आपके लिए। मम्मी आ गई, चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो रात के चावल रखे हुए हैं उनको हम फ्राई करेंगे, प्याज वगैरह काट के, और दूध गर्म कर रहे हैं। मम्मी भूल गई थी दूध रख के, मम्मी प्याज काट रही है, मैं उधर कढ़ाई काट रही हूं, तो फटाफट से फ्राई कर देते हैं। और चावलों को फ्राई कैसे करते हैं उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मैंने फ्राई पैन में
और सरसों का ऑयल डाल दिया है और उसमें ऑनियन यानी कि एक प्याज काट के डाल दिया और चावलों में मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। मेरे पास रोटेट वाला जो रोटेट हो जाता है ना वाला ट्राइपॉड नहीं है, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे, फिर अपने जो हमने चावल ये रखे हैं ना इसमें हमने लाल मिर्च, नमक और आप चाहें तो इसमें वो धनिया पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से फ्राई कर लो। और हरा धनिया डालना चाहो तो हरा धनिया डाल सकते हो, हरी मिर्च डालना चाहो तो हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो, जब आप प्याज डालोगे तभी डालना है आपको हरी मिर्च। और प्रॉपर रेसिपी देखनी है तो उसके लिए मैं आपको एंड स्क्रीन पर अपनी वो वीडियो लगा दूंगी, तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप उस पर पहुँच जाओगे। तो अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। अब तो वही खाली हो गया होगा, अब नहीं लोढ़ते ना, वो जो खाली होता है तभी लोढ़ने की वो रहती है। अब इसे चला लेते हैं अच्छे से। तो मैंने घी को छील लिया है और इसे दो टुकड़ों में काट लिया है और इसे धोकर अब हम कद्दूकस करेंगे। तो मैं इसको धो लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने घी को धो लिया और अब हम कद्दूकस की हेल्प से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं जल्दी से इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने घी को कद्दूकस कर लिया है, अब हम एक अलग बर्तन लेंगे या एक बाउल लेंगे और उसमें हम कद्दूकस किया हुआ जो हमारा घी है लौकी को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी उसका एक्स्ट्रा पानी हाथों से दबा दबा कर सारा पानी निकाल देंगे और अलग एक बाउल में उसे रख लेंगे। और उसके बाद हम इसमें अपने सूखे मसाले और बेसन ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम कोफ्ते जब तलेंगे तो वो बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी अच्छे से तल के तैयार होंगे, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होंगे हमारे कोफ्ते। तो आप भी प्लीज़ इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमारे जो कोफ्ते का जो पानी, अब हम इसमें अपने सूखे मसाले लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे और बेसन से इसको पाइंड कर लेंगे। साथ ही एक गैस पे तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि जब तक हमारा ये बन के तैयार हो तो हमारा तेल भी गर्म हो जाए और फिर हम फटाफट से अपने कोफ्ते तल लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ और बेसन को मैं यहाँ पर छान कर यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि इसमें कोई कीड़ा या सुराही वगैरह कुछ है तो नहीं। तो आप भी बेसन को छान कर ही यूज़ कीजिए। तो मैंने इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर ली है, बेसन ऐड कर लिया, अब हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, नमक, मिर्च, पिसा धनिया वगैरह जो भी हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं वो इसी टाइम ऐड कर देंगे। तो मैंने अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए, अब इसे अच्छे से चलाते हुए मैं मिक्सर बना लूँगी। इसमें पानी नहीं डालना है हमें। तो जब तक हमने लौकी में जो हमने कद्दूकस की थी मसाले ऐड किए और तब तक हमारा तेल भी गर्म हो गया। अब हम इसमें छोटी छोटी बॉल्स स्पून की हेल्प से डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो हाथ की हेल्प से भी डाल सकते हैं। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम तलेंगे और पहले हमने हाई फ्लेम पर पहले गैस हाई फ्लेम पे थी, अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है गैस को और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँगी। आप भी इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक घी के कोफ्तों को तलें और फिर एक प्लेट में निकाल लें। और इसी तरीके से मैं और भी जो हमारे जो पेस्टी मिक्सचर बचा हुआ है घी के कोफ्ते के लिए वो डालकर उन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे।
गाइस सॉरी, अब आप पूछोगे सॉरी क्यों। घिया की रेसिपी जो मैंने घी की कोफ्ते की रेसिपी जो आपसे बोली थी वो मैं पूरी शेयर नहीं कर पाई। रीज़न बोलो क्यों? क्योंकि भाई ऑफिस से आ गया था और मैं घिया के कोफ्ते बना रही थी, तो पकौड़ियों की तरह तो होते ही हैं। उसने जितने भी मैंने घिया के कोफ्ते सब ने उन्हें पकौड़ियों की तरह, जो पापा भी आ गए थे ऑफिस से, सब ने उन्हें पकौड़ियों की तरह खा लिया, एक भी घिया का कोफ्ता नहीं बचा। तो मैं उसकी आगे की रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई। तो मैं कभी दोबारा से इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसी ट्रेजेडी भी होती है कि उन्होंने सारे घी के कोफ्ते जो मैं फ्राई करके रख रही थी रूखे खा लिए, ऐसा भी होता है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद इस कमरे में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअल में भाई उस कमरे में टीवी देख रहा है, वरना वो मुझे बहुत परेशान करता है, आपको पता ही है, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस कमरे में वीडियो शूट कर रही हूँ और घी के कोफ्ते की रेसिपी पूरी शेयर ही, उसकी ग्रेवी रह गई। एक्चुअल में वो घी के कोफ्ते तलने तक तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसके बाद जो उसकी ग्रेवी थी, ग्रेवी कैसे बनानी है वो सब वो रह गया, क्योंकि घी के कोफ्ते बचे ही नहीं। और फिर जब वो 3-4 बचे थे, तो 3-4 जो फिर वो मैंने अपने लिए रख लिए। मैंने कहा जब बच ही नहीं रहे तो मैं अपने लिए मैंने अपने लिए कटोरी में रख लिए, मैं खाऊंगी उन्हें। और जैसा कि आज चंद्रग्रहण पड़ने वाला है तो जल्दी ही सब खाना खाने वाले हैं। भाई ने खाना खा लिया है और बस अब हम सब रह रहे हैं, मम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, पापा, हम सब रह रहे हैं खाना खाने के बिना। तो अब हम भी खाना खा लेंगे। तो आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, छोटा सा ट्रेजेडी वाला ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना फ्री है, चैनल पर आना बिल्कुल फ्री है, वीडियो देखना बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आपने मेरे इस व्लॉग को यहाँ तक देखा, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे हंसी आ रही है आपको बताते हुए कि क्या ट्रेजेडी हुई है कि घी के कोफ्ते ही नहीं बचे। किस किस के घर में ऐसी सिचुएशन कभी कभी हो जाती है कि हम घी के कोफ्ते बनाने बैठते हैं तो भाई वगैरह जो होते हैं वो सारे कोफ्ते तलते जाओ और खाते जाते हैं। ऐसे किस किस के घर में होता है? हमारे घर में तो देखो होता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया, हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई वीडियो बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना।